हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे कि भाई ये जो दिसंबर 22 का पेपर है, ऐसा ही अगर आपने देख लिया तो फिर आपके मार्क्स जो है वो आने लाजमी है। ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग फास्ट हो रहा है तो कैमरा एकदम सेटअप करने का इतना टाइम नहीं मिला है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। ये वीडियो हम लोग दो पार्ट में करेंगे, पार्ट वन जहां से मैं 15 या 17 एमसीक्यू करवा दूंगा और पार्ट टू में बाकी के करवाऊंगा। अगर आपने पार्ट टू कमेंट किया और ये वीडियो को शेयर किया तो सेकंड पार्ट तो हो जाएगा। तो चलो भैया, बिना देर किए शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम ड्यू टू एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अब मैंने मेरे लेक्चर्स के अंदर बार बार बोला हुआ है कि भाई ओवरहेड का ये टॉपिक तो आएगा, फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि अगर कस्टमर ने बोला कि जल्दी से काम करो तो कस्टमर पे चार्ज करने का, अगर कोई डिपार्टमेंट की गलती से हुआ है तो उस पे चार्ज करने का, और जब भी एबनॉर्मल बात आ जाती है तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही चार्ज करने का। तो ये वाला आंसर जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो पहली तो चीज ये एक क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं, रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल बेटा, एमसीक्यू के अंदर हमेशा हमेशा फॉर्म्यूला याद रखना है। मेरे दूसरे भी वीडियो है जिसके अंदर मटेरियल लेबर के ओवरहेड एमसीक्यू सिखाए हैं, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज उसे भी चेक कर लीजिए। तो फॉर्म्यूला ये कहता है कि रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। देखो यहाँ पर कैसे कंफ्यूज करते हैं, दो में मैक्सिमम दिया है, दो में मिनिमम दिया है। तो देर मत करना, मतलब इतना घाई मत करना, शांति से लिखना, उसको प्रॉपरली पढ़ लेना और उसके बाद आप सम कर सकते हो। तो जो मेन चीज यहाँ पे आएगी तो ये वाली चीज आ जाएगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई समथिंग 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 समथिंग, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड के अंदर किस तरह से हम लोग लेते हैं, तो सिंपल एवरेज मेथड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 800 यूनिट 20 रुपए के भाव से, तो यहाँ पे 20 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग 21 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 22 ले लेते हैं और फिर यहाँ पे 25 ले लेते हैं। इन सब को हम लोग डिवाइड बाई 4 करेंगे। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है यार, क्यों मैंने ये 4 को ऐड किया? अगर एग्जाम में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो परचेज मेड, ये भी परचेज है, ये भी परचेज है, ये भी परचेज है। अगर गलती से कल के पेपर में कोई इश्यू वाला आ गया तो वो प्राइस को मेहरबानी करके यहाँ पे ऐड मत करना। दैट मीन्स यू हैव टू सी के वेदर द प्राइस आर ऑफ परचेज ओनली, एंड इफ द प्राइस आर ऑफ परचेज ओनली देन दे हैव टू बी एडेड। और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सिंपल एवरेज मेथड है इसमें इसको भी ऐड कर देना पड़ता है, इवन दो ये स्टार्टिंग है, तो ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो चलो भैया, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये 4 को ऐड करेंगे तो 20, 20, 40, 60, 80, 80 और 88, तो 88 डिवाइड बाई 4 जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1500 यूनिट इश्यू करने के लिए सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से 22 का भाव लगा देंगे। ये एक ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ऐसा है कि समथिंग कुछ सिमिलर ही सम है, लेकिन पहले तो पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड। तो पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड के अंदर हो जाता है कि भाई ये आपने ये जो पीरियड है कहाँ तक का गिनना है, पूरा 1/11 से लेके 25 तक जितना भी पीरियड है उसमें आपने कितना परचेस किया है। तो भाई उसमें आपने पहला परचेस जो किया हुआ है वो है ये 20, फिर दूसरा परचेस किया हुआ है वो ये 30, और तीसरा जो परचेस किया है वो है 40। तो हो जाएगा 20 फिर 40 प्लस 30 या 30 40 30 70 80 90, बराबर 90 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 30 रुपीज़। तो ये वाला एमसीक्यू आएगा। देखो अब लोग क्या करते हैं,
और प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है। नो डाउट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी सुन लो, जिस तरह से मैंने पढ़ा है ना उस तरह से स्टूडेंट ये फिगर ही देखते रहते हैं। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, और अगर गलती से भी कुछ ऐसा आ गया तो बोले हाँ हाँ हमने ये देखा है, ये 30 वाला ही था, ये तो बैठो MCQ आई गयो। अब ऐसा नहीं होता है यार, तो शायद उन्होंने कोई फिगर यहाँ पे चेंज की हुई हो, यहाँ पे फिगर चेंज की हुई, यहाँ पे फिगर चेंज की हुई हो, तो वो भी ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास एक घंटा है 30 MCQs, तो थोड़ा सा हम लोग प्रॉपरली देख के चलेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाला सम तो मैंने हमारे जो, अच्छा मैं एक बात बोल देता हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है जिसकी लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ये डिस्क्रिप्शन में से आप ये एप्लीकेशन खोलोगे तो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे एप्लीकेशन में, रुको, तो सबसे पहले हम लोग ये एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे पहुँच गए, ऊपर वाले को घुमाएंगे, SYSAM3 को लेंगे, उसके बाद कॉस्टिंग को टिक करेंगे, जहाँ पे इंट्रोडक्शन को टिक किया तो चार चीज़ें आती है, नोट्स, वीडियो, PDF, डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने नोट्स पे क्लिक किया तो नोट्स के अंदर 30 MCQ, अक्टूबर 18 का पेपर सॉल्यूशन है, अक्टूबर 16 का पेपर है। मटेरियल में अगर जाते हैं तो सिर्फ नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो नोट्स में जाते हैं तो 50 MCQ विथ आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम, ये सारा दिया हुआ है। अगर मैं फिर से मटेरियल में क्लिक करूँ और वीडियोज़ पर जाऊँ तो हमारे सारे जो वीडियोस है वो सारे के सारे वीडियो यहाँ पे दिए हुए है। वापस मटेरियल में क्लिक करता हूँ और MCQ क्विज में जाता हूँ तो यहाँ पे MCQ Test 1 है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से ये पूरा एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है। अगर आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन आपके लिए सही साबित होगी तो प्लीज़ आप इसे यूज़ कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। शेयर से अगर ये वीडियो पे अच्छे शेयर्स आए तो मैं Part 2 3 बजे पहले पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो मुझे तो याद है इसका ये आंसर है, लेकिन फिर भी मेरे पे भरोसा मत रखो, बिकॉज वो मटेरियल जो हम लोगों ने एप्लीकेशन पे अपलोड किया हुआ है वहाँ पे सॉल्यूशन के साथ ही ये सम है। तो अगर आप लोगों ने किया है तो आपको पता ही होगा। एनीवेज अगर फिर भी नहीं है तो बोल देना, साइमल्टेनियस इक्वेशन पे एक सम बनाते, मुझे आधा घंटा लगेगा, तो वो भी सेट हो जाएगा। सूटेबल बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग रिलेटिंग एक्सपेंस। अब देखो यार, मैं ये थोड़ा सा अलग रीत से कराऊंगा। फैक्ट्री बिल्डिंग जो होती है सबको पता है एरिया के बेस पे होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम तो आलसी इंसान है, हमें तो मार्क्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग कभी मटीरियल पे नहीं जाता, ठीक है। हाँ, एम्प्लॉइज़ पे तो कती नहीं, लाइट पॉइंट पे तो कभी नहीं। तो चलो मान लो यार दो ऑप्शन रह गए, ये दो तो नहीं होता है, फ्लोर पेज या ये। अगर ये बिल्डिंग ना होता और इन्वेंट्री होती तो मैं डायरेक्ट मटेरियल ले लेता, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग है तो फ्लोर एरिया आएगा। तो अगर आपको कोई MCQ नहीं आता तो आप ऐसे भी जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको कट शॉर्ट करोगे, फिर तुक्का मारोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये वाला MCQ मुझे लगता है कल के पेपर में वापस आएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं बेटा, प्रोडक्शन करना है, लेकिन लोग क्या करेंगे इनडायरेक्ट लिख के आएंगे। देखना हो तो देख लेना बेटा, ये नॉर्मल गलती होती है, सारे वर्कर सारे लोग जो है वो ये करते ही रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं नहीं करवाने वाला, बिकॉज हमारा जो MCQ का पैम्पलेट जो हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है यहाँ पे ये है ही है, ये सॉल्यूशन के साथ है, इसका आंसर 180 वाला आता है। कैसे आता है देख लो भाई, 48 आवर्स थे, ये मुझे क्वेश्चन याद है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, 48 आवर्स थे, उसमें से टोटल ही वर्क फॉर 45 आवर्स, इंक्लूडिंग 4 आवर ओवर टाइम था, तो 45 आवर्स उसने किया तो यहाँ पे 3 बचेगा, एंड 3 आवर्स वेर आइडियल टाइम और मशीन ब्रेकडाउन, तो 3 घंटे यहाँ बचे, 3 मशीन ब्रेकडाउन पे थे। अब ये जो 6 घंटे हुए उसमें से 4 घंटे ओवर टाइम है, 4 घंटे इंक्लूडिंग 4 आवर्स ओवर टाइम, तो यहाँ पे मैं 6 में से 4, 4 का इसको यहाँ पे 2, तो अल्टीमेटली
ये 160 आंसर आता है, जस्ट एक बार चेक कर लेना बराबर। और ना हो तो हमारे देखो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम थोड़ा सा स्पेंड हो जाता है। हमारे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में तो ये ओवरहेड के सम विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। नेक्स्ट ये वाला सम जो है, फाइंड आउट रीऑर्डर क्वांटिटी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड आउट रीऑर्डर, ये एक सेकंड, ये पेज नहीं है, इसको नीचे करो, हाँ ये वाला है, 9 से चलते हैं बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज 110, ये फिर पार्ट टू में हम लोग ले लेंगे। एमर्सन एफिशिएंसी बोनस प्लान, देखो एमर्सन आ सकता है, मेरिक आ सकता है, टेलर आ सकता है। हमारा पंगा तो ये होता है जब हम ये लेते हैं तब पता चलता है कि यार एमर्सन में अंदर फॉर्मूला सूच है, तो पॉइंट ये हो जाता है कि उसका फॉर्मूला ये है कि अगर बंदे ने 100% तक किया तो उसको 20% मिलेगा, और 20% के बाद उसने कितना उपे किया हुआ है, 20% के बाद उसने 10% और किया हुआ है तो उसको और 10% मिलेगा। लेकिन किसका मिलेगा बेटा, 30% टोटल होगा, ये आंसर आ गया, लेकिन जो भी आएगा वो आ जाएगा टाइम रेट का, तो उसको भी खास ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर 30% हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 80,000, 1,00,000, 5 और 5 इन द रेशियो ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वैल्यू। अभी मशीनरी आपको दी हुई ही है, आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ से मैंने 3 जीरो निकाला, यहाँ से मैंने 3 जीरो निकाला, यहाँ से 3 जीरो निकाला, यहाँ से 3 जीरो निकाला, यहाँ से 3 जीरो निकाला, जो आया वो रेशियो। हम लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में, मैं बोलता हूँ ना जल्दबाजी में क्या करेंगे, तो स्टूडेंट ये वाला ठीक करके आएंगे, क्यों, तो क्या यहाँ से 4 जीरो निकाले, यहाँ से 4 जीरो निकाले, यहाँ से 4 जीरो निकाले, लेकिन यहाँ 3 जीरो है। नाउ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मैं 5 से डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 5 5 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12 बराबर। तो उसको भी अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो बस ये रेशियो एक बार देख लेना, बट आई थिंक ये वाला रेशियो राइट है, 60 80 10 5 5 1 1 10 नहीं आएगा बेटा, 10 नहीं आएगा, ये 100 आएगा, तो ये वाला रेशियो होगा, सॉरी। बस ये ऐसे ही फिर से एक बार कर लेते हैं कि यहाँ से अगर मैं 3 जीरो कट करूँ, 3 जीरो कट करूँ बराबर, तो कितना आया, तो क्या आया 60, फिर आया 80, फिर आया 100, फिर आया 5, फिर आया 5, तो 5 1 1 20 16 ये वाला रेशियो ही आएगा। देखो इस तरह से मैंने भी ये 100 के जगह पे 10 वाले आंसर को टिक कराया था। ऐसी छोटी सी गलती हो जाएगी तो मार्क्स जो होते हैं वो कट जाते हैं। तो भाई 30 MCQ ही करने, 1 घंटा है, तो आराम से कर दिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाता है, देखो उसके अंदर मुझे तो लगता है कि फ्लूक सिस्टम जो होती है ना वो तो आएगी। मैं तीनों तीन के जरा फॉर्मूला यहाँ बता देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है सेपरेशन के अंदर, नंबर ऑफ एम्प्लॉई सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। अगर सेपरेशन रिप्लेस्ड वाला हो जाता है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो फ्लुक्स वाला आ सकता है। तो कल ऐसा भी आ सकता है कि रिप्लेसमेंट 3% था, सेपरेशन 4% था, तो फ्लुक्स 7% हो जाएगा। तो ये तो एक एक्स्ट्रा वाली बात थी तो बोल दी यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं कि ये सब में क्या लिखा है, पहले देखो क्या पूछा क्या है। तो एम्प्लॉई रिप्लेस पूछा हुआ है, एम्प्लॉई रिप्लेस पूछा हुआ है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिजाइंड बराबर है रिजाइंड, ये रिप्लेस्ड। और हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर सेपरेशन मेथड। देखो सेपरेशन मेथड है तो ये मेथड तो कुछ काम की नहीं है हमारे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिप्लेस ये नहीं आएगा। सेपरेशन है तो कितने रिजाइन हुए हैं, भाई रिजाइन हुए हैं 20 और ये है 275,
बराबर, तो इसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो मैंने शायद पहले किया था, तो ये 7.27 है, बट हाँ हाँ इसमें गलती क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी में लोग क्या करेंगे, ये वाला कर लेंगे, सर इसका आंसर मुझे पता था क्या था, 275 डिवाइड बाई 20, ले वाट लग गई। तो ऐसी गलतियाँ हो जाती है एमसीक्यू के एग्जाम में, तो एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि यार इसको थोड़ा सा आप प्रॉपर कीजिए, बराबर। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंजम्पशन ऑफ 100 यूनिट पर मंथ, पर मंथ है तो इनटू में 12 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1200 रुपया। परचेज प्राइस इज 100, ईओक्यू 300, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। तो देखो भैया ऐसा है कि सालाना मुझे चाहिए, सालाना मुझे चाहिए 1200, मैं क्वांटिटी मंगाऊंगा 300, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 महीना आएगा, ये कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहले ये देखो कि पूछा क्या है, उसके बाद आप सम करो तो सही है। अब नेक्स्ट वाला सम यहाँ पे आ गया, मिल्क एंड आइसक्रीम, अरे यार भूख लग जाती है आइसक्रीम की। अच्छा चलो, पसंद आए यहाँ तक वीडियो देखा है तो आइसक्रीम कमेंट कर देना, तो मैं भी समझ जाऊँ कि भाई बंदे जो, और जो आइसक्रीम लवर है वो कमेंट करना है, नहीं मैंने आइसक्रीम नहीं भाव तो प्लीज यार आप मत कमेंट करना। मिल्क एंड क्रीम यूज इन आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा, अरे यार चलो, फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, सेमी वेरिएबल नहीं होता है, हालांकि एक वीडियो है मेरा सेमी वेरिएबल पे, इनडायरेक्ट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा, बचा का मटेरियल कॉस्ट, और 1000 बार मैंने एग्जांपल दिया, जैसे टी शर्ट है उसमें अंदर कपड़ा जो है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। अब वापिस इसको डिवाइड करते हैं, वापिस एक और एक सम ले लेते हैं, और ये सम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि राम हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, इफ द जनरल लाइटिंग ओवरहेड 1200 एंड टोटल लाइट पॉइंट 120 अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ, तो ये 120 का रेशियो निकाला है 20, 30, 40, 20 और 10, बराबर टोटल लाइटिंग ओवरहेड टू सर्विस डिपार्टमेंट, ये रहा 20, 30, 40, 40, 80, 80 कितना हो जाएगा 80 प्लस 20, 100, 130 होता है यार ये A and B are the total general lighting overhead department, तो ये 2:1 के रेशियो में आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा 1200 20 30 50 90 110, बराबर है, तो ये 1200 डिवाइड बाय 20 इंटू 120 1/6, ये गया तो 1200, तो ये 200, और ये अगर ये 200 है तो ये 100, 300 आएगा आंसर, 300 आ जाएगा आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा, बिकॉज दोनों का कंबाइन पूछा है, तो A का 200 B का 100, अब ना समझ पड़ी ये, तो ये 20 अगर 200 है तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यार अभी तो क्लास लेना है तो मैं अभी निकल रहा हूँ, ये मैंने आधा तो ये कर दिया पार्ट वन, अगर पार्ट टू आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा पार्ट टू, तो एप्लीकेशन के अंदर मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग पार्ट टू एप्लीकेशन के अंदर अनलिस्टेड वीडियो होगा वो दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन जो है वो फ्री है, तो पैसे तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, तो अगर आपको लगे कि ये बंदा सही है, अच्छा काम कर रहा है, तो 5-star रेटिंग दे देना, जिससे गूगल में हमें हेल्प हो जाती है आगे बढ़ने के लिए। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, टेक केयर।